नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द HSSC अड्डा में। देखिए, जैसा कि आपकी क्यूरी से रिलेटेड हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि भाई काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे आपने हिंदी के लिए अप्लाई कर रखा है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, कितना क्या आएगा आपका, जो इंग्लिश के लिए क्या है, आपने बायोलॉजी के लिए भर रखा उसके लिए क्या है, केमिस्ट्री का है क्या आएगा। पार्ट ए का तो हम वीडियो बना चुके थे, लेकिन इसमें भी हम आपको जो कंप्लीट सिलेबस है पार्ट वन और जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हैं, दोनों का इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट, जैसे स्टडी मटेरियल हम लेके आएंगे, स्टडी की वीडियो लेके आएंगे, आप उसकी अपडेट पा सकें। इसमें शुरू करते हैं अपना। देखिए, जैसा कि आपने फॉर्म भरा होगा, आप सबसे पहले इस पर जाएँगे जहाँ पे आपने APS की साइट है, वहाँ पे देखिए आपने फॉर्म भर रखा होगा। जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है वो इस पे जाएगा, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, मतलब जिन्हें फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास नया टैब खुलेगा, और जब आपकी लॉगिन हो जाएगी ID, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर साफ दिखेगा कि डाउनलोड सिलेबस। डाउनलोड सिलेबस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड सिलेबस करने के बाद आपके पास ये अगर देखिए पार्ट ए का हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। अभी पार्ट ए है जो, इसका सिलेबस पहले भी दिखा चुके थे हम, लेकिन इसका अब दिखा देते हैं जो इसका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, जो पार्ट ए है इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है अभी। देखिए, इसमें जो आपका इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश में आपका 20 नंबर का रहेगा, कंप्रीहेंशन स्किल, लैंग्वेज और ग्रामर का टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 नंबर का होगा, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम, एवरेज स्पीड प्रॉब्लम इनसे आएगा। इनसे बाहर आपको मैथ में से कुछ नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपको करने हैं। रीजनिंग में देखिए, इन्होंने कोई भी नंबर इनको इंक्लूड नहीं कर रखा, फिर भी 1-2 नंबर का पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इनमें से देखिए इन्होंने कोई भी नंबरिंग नहीं दे रखी कि जो रीजनिंग आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मार्किंग इन्होंने कर नहीं रखी। देखिए, 15, 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और 20, 70 आपकी। देखिए, इसमें जो नंबरिंग कर रखी इन्होंने, फिर भी क्या पता कुछ कर सके। 15, 30, 30 और 40, 70 और 20, 90 यहीं पे हो जाते हैं आपके। जो देखिए आपका जनरल नॉलेज का है, करंट अफेयर, पॉलिटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, डेकोरेशन, लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड आएगा। कंप्यूटर में आपका जो टर्म यूज़ होती हैं, वर्ड, पावर पॉइंट होता है, सेपरेट शीट होती है, एमएनसीज होते हैं, आपके होते हैं एप्लीकेशन, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। अब आपको हम उसका आपके जो स्टडी पार्ट भी है उसका भी दिखा देंगे। इसमें देखिए आपका मार्क्स, थ्योरीज, जो आपका टीचिंग स्किल का रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करंट एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन, नॉलेज ऑफ पार्टी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इस टाइप का आपका सारा सिलेबस रहेगा, लेसन प्लानिंग वगैरह। अब हम आपको डायरेक्ट वहाँ पर ले चलते हैं जो आपका मेन का है, जो दूसरा पार्ट है। मान लीजिए आपने किसी के लिए अप्लाई कर रखा है जिसका हमारे पास ये है, उन्होंने बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे गाइडलाइन फॉर CBSE जो TGT PGT है, तो आपका ये जो सिलेबस है आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं जो आप सिलेबस है आपका, जो आपका मिल जाएगा। इसके बाद सिलेबस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी नहीं होगी। यही हमारा मकसद था कि भी आपकी जो हर एक क्यूरी है उसको सॉल्व किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।